नमस्कार, मैं हूं हेमंत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और 22 साल से पार्टी में सेवा कर रहे, विभिन्न पदों पर आसीन रहे समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर में प्रदीप सिंह सिसोदिया ने आज समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, आइए, हमारे साथ मौजूद है प्रदीप सिंह सिसोदिया जी, जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो है अलविदा उन्होंने कह दिया है, और जो है उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, किन वजह से उन्होंने 22 साल की अपनी त्याग और बलिदान को जो है समाजवादी पार्टी के लिए जो त्याग किया और बलिदान दिया समाजवादी पार्टी के लिए, और ये कहें कि क्रीम पीरियड अपने ज़िंदगी का उन्होंने जो न्यौछायर किया था समाजवादी पार्टी के ऊपर, उसको भी ताक पर रखकर जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी है। प्रदीप जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या मानते हैं कि क्या वजह रहे कि समाजवादी पार्टी को आपने अलविदा आज कह दिया? देखिए, मैं छात्र जीवन के बाद विगत 22 वर्षों से, मैं जब से होश संभाला, मेरे बचपन से मेरे मन में समाज के वंचित लोगों को, पिछड़े लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद लोग थे, उनको न्याय और उनको सम्मान अधिकार और उनको बराबरी का दर्जा देने का संकल्प मेरे मन में हमेशा बना रहता था। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं MBA भी किया हूँ, और जब मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था तो राजनीतिक विचारों में मैंने समाजवाद की विचारधारा मैंने पढ़ी थी। उस विचारधारा को मैंने आत्मसात किया, चूँकि मेरा स्वभाव भी वही था और मैं उस विचारधारा को बहुत गंभीरता से मैंने लिया। समाजवाद का जो मूल रूप है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको बराबरी का अधिकार और सम्मान देना है। निश्चित रूप से इस विचारधारा से मैं प्रभावित होकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का मैंने दामन थामा था, और विगत 22 वर्षों से मैंने समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर लगातार संगठन की मैंने सेवा दी और ईमानदारी पूर्वक मैंने संगठन के साथ काम किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जहाँ पे लोगों ने बहुत सारे नाना प्रकार के प्रलोभन दिए भी दिए, और यहाँ भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिसकी वजह से मैं आहत रहा, लेकिन मैंने कभी भी समाजवादी पार्टी छोड़ने का मैंने निर्णय नहीं लिया। समाजवादी पार्टी आज जो समाज के उन लोगों के लिए काम करने के लिए आई थी, जो जिनकी विचारधारा आदरणीय राम मनोहर लोहिया, आदरणीय जनेश्वर मिश्र, आदरणीय मोहन सिंह जी, इन सारे लोगों के, आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव, और दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी व्यक्ति प्रभु श्री राम, जिन्होंने समाजवाद की इतनी बड़ी एक मिसाल कायम की थी समाज में, उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो रूप उनको मिला था, वो एक प्रखर समाजवादी के लिए ही मिला था, जिन्होंने राजसत्ता का त्याग करके 14 वर्ष तक वनवास में गए और अध पिछड़ों, वंचित दलितों, वनवासियों को लेके न्याय की लड़ाई और अधिकार की लड़ाई लड़के उन्होंने इस धरती से पाप का नाश किया और लोगों को सम्मान देने का काम किया था। मैं उस विचारधारा को स्वीकार करता हूं और अपने साथ लेके चलने का काम कर रहा था। मैं बार बार ये कहता था, समाजवादी पार्टी में मैं किसी पद प्रतिष्ठा या MPA MLA बनने के लिए मैं सेवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो आज मूल धारणा है, आज चाहे वो समाजवाद की संघ अवधारणा हो या लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का सबसे बड़ा अगर दुश्मन को यह तो पूंजीवाद की विचारधारा है, जातिवाद की विचारधारा है, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं कहीं जातिवाद, धर्म या परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसमें आम जन को एक बराबर मान सम्मान, न्याय और अधिकार देने का काम और उसका जो उद्देश्य था उसको लेके मैंने चलने का काम किया था। आज समाजवादी, बड़े दुख के साथ आज मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, क्या समाजवादी पार्टी की जो मूल विचारधारा, दलित लोहिया जी कहा करते थे कि अपने संगठन में भी अगर कोई कभी विसंगति हो तो उसके खिलाफ आप निर्णय लो, मैं लोहिया जी से प्रेरित हूँ, मैं प्रभु राम से प्रेरित हूँ, जिन्होंने अपने परिवार का परित्याग कर दिया जनता के लिए, आज मैं भी इस 22 वर्षीय अपने परिवार का परित्याग मुझे इस जनता के हित के लिए मुझे करना पड़ रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, आज समाजवादी पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक के पूंजीवादियों के चंगुल में, अवसरवादियों के चंगुल में, दलबदलुओं के चंगुल में, परिवारवाद की चंगुल में, धार्मिक भावनाओं के चंगुल में फंस के आज मेरे साथ जाति के आधार पे घनघोर मेरी उपेक्षा की गई, चाहे यहाँ का संगठन रहा हो चाहे वहाँ का रहा हो, हमेशा मैंने निष्पक्ष रूप से मैंने काम करने का मैंने काम किया। और सबसे बड़ी वजह ये रही है, मैंने सारी बातों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैंने सारी अखिलेश जी को मैंने अवगत कराया था सारी चीज़ों से, लेकिन कभी भी मेरी बात को न गंभीरता से ली गई, न कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान दिया गया। सिर्फ सत्ता लोलुपता की वजह से तमाम ऐसे गठबंधन किए गए, जैसे बसपा का गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी और हम महत्वपूर्ण सीट, यहाँ तक कि आदरणीय डिंपल यादव जी की सीट को भी हम हार गए।
काफ़ी हमारा नुकसान हुआ, हमें उससे सबक लेना चाहिए था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसे व्यक्ति से हमने समझौता किया, ओम प्रकाश राजभर जी थे जिन्होंने कहा था जो समाजवादियों को वोट दे अपने बहु बेटियों के साथ घाट करे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जिन्होंने कहा था कि अखिलेश जी से ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं है। ऐसे गंदे लोगों को सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए एक ऐसे व्यक्ति को गोरखपुर का शामिल करा दिया गया जिसने जगत जननी माँ को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात की, उससे उसका स्वागत हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था। कहीं ना कहीं हम मन में बड़ा मेरे गुबार था कि हम सत्ता के लिए हम अपनी मूल विचारधारा से हटके जातिवादी धार्मिक उन्मादी और पूंजीवाद के चंगुल में ये समाजवादी पूरी तरह से काकस में फंसी हुई है, जो मुझे लगता नहीं है। और बहुत सारे एक और कष्ट है कि जितने भी आज सलाहकार हैं निश्चित रूप से एक भी सारे के सारे जनविहीन सलाहकार हैं, एसी के कमरे में रहने वाले पूंजीवादी अवसरवादी और व्यवसायी लोग हैं जो कार्यकर्ताओं का बड़ा अपमान कर रहे हैं। कार्यकर्ता आज बहुत मायूस है समाजवादी पार्टी का, आज वो उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं संघर्षों के आधार पे, कोई फुर्सा हाल नहीं है, उनका कोई सम्मान पूछने वाला नहीं है, सिर्फ पैसे वालों के पीछे बड़े बड़े इनके नेता और जो लोग हैं घूम रहे हैं। पद और प्रतिष्ठा पद भी जितने तमाम फ्रंटलों में बड़े पदों पर दिए गए निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अवसरवादी लोग और जनविहीन नेताओं के सिफारिशों पर दिए गए, और वो भी आज पूरे संगठन का विरोध कर रहे थे, चुनाव में विरोध कर रहे थे, और कार्यकर्ता मायूस बैठा है। ये दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं इन्हीं कारणों से मैंने समाजवादी पार्टी से आज बाहर जाने का निर्णय ले लिया। प्रदीप जी, कमोवेश यही स्थितियां सभी राजनीतिक दलों में है, तो अब आगे आपका निर्णय क्या होगा? देखिए, मैं किसी दल में जाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। मेरा मूल स्वभाव है समाज सेवा। आप जानते हैं मैं यूथ आइकन बनाया गया तो सामाजिक सेवा के आधार पे ही बनाया गया। मैं पूरे देश के सारे आइकॉन को सारे टैलेंट को लेके मैं अखिलेश जी से मैं मिला था और मैंने कहा था कि पूरी देश की टैलेंट आपको एक युवा नेतृत्व देना चाहती है, आप एक प्लेटफार्म दे दो। हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसा मूवमेंट आए जहां नौजवानों की बात सुनी जाए, उनकी पीड़ा सुनी जाए। नौजवानों का जो आज दर्द है कोई समझने को तैयार नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। और जितने टैलेंटेड लोग हैं या जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, उनको छोड़ के ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दिया गया जो शायद आज कक्षा पास भी नहीं है। तमाम जिलों में ऐसे लोगों को बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे, तमाम संगठनों के बड़े पदों पे रख दिया गया है और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जात के आधार पे उपेक्षित किया गया। मैं किसी दल में जाने की वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हो रहा है, मेरे साथ जाति आधार पर मुझे भी उपेक्षित किया गया। मैं आदरणीय लोहिया जी के उस विचारधारा को स्वीकार करते हुए कि अपने दल में भी अपने संगठन में भी अगर कोई विसंगति हो तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, मैंने तो 22 साल आपके साथ दिया है, इससे ज्यादा अनुशासन की दूसरी बात नहीं हो सकती थी। तो क्या राजनीतिक कैरियर आप समाप्त कर देंगे या किसी दल में जाएंगे? देखिए, कैरियर राजनीति की नहीं होती है, कैरियर व्यक्ति का होता है। राजनीति एक प्लेटफार्म होता है, किसी विचारधारा से हम प्रभावित होकर हम राजनीति करते हैं। मेरा विचारधारा प्रभु श्री राम के राम राज्य का है, जहां सबको समान रूप से धर्म जाति या किसी ऊंच नीच और गरीबी अमीरी के आधार पर जहाँ विभेद नहीं होगा, ऐसी जगह मैं स्वीकार कर सकता हूँ। और राजनीति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए समाज सेवा महत्वपूर्ण है। मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा संघर्षरत करता रहूँगा। आपको याद होगा कोरोना काल में जब सारे किसी भी दल के नेता घर से नहीं निकलते थे, उस समय भी हम लोग सर पे कफन बांध के जनता की सेवा में लगे रहते थे। आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताओ, खलीलाबाद। एक मिनट प्रदीप जी, यहीं रोकना चाहूँगा। रामराज की परिकल्पना जो है बीजेपी कर रही है, तो क्या बीजेपी का दामन थामेंगे? राम राज की कल्पना बीजेपी का नहीं है। लोगों ने मान लिया कि राम माने बीजेपी है या बीजेपी माने राम है, ऐसा नहीं है। राम मेरे रोम रोम बसे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम है। उस धरती का हर वह व्यक्ति जो ऊंच नीच के भावना से ऊपर उठ के, धर्म और जात के भावना से ऊपर उठ के समाज को एक बराबर सम्मान देने का काम करेगा, उसके हृदय में राम बसते हैं। राम किसी दल के प्रतिबिंब नहीं है। बीजेपी को सिरे से खारिज कर रहे हैं बीजेपी की जाने की अटकलों को लेकर? मैं किसी भी दल में अभी जाने वाला नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई निर्णय लिया है। हम अपने साथियों के साथ बैठेंगे, जो भी निर्णय उनका होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। किसी दल में जा सकते हैं क्या? राजनीतिक व्यक्ति हूँ मैं, निर्णय मेरे भी होंगे, मेरे अपने सहयोगियों के होंगे, या जो भी हमारे अपने शुभचिंतक हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे तमाम मीडिया के बंधु भी हैं जो सम्मान जो हमको सुझाव देते हैं, सबसे मैं राय मशवरा करूँगा और मैं कोई निर्णय लूँगा। उसके अतिरिक्त मैं समाज जो मेरा स्वभाव है समाज सेवा, मैं उसे करता रहूँगा। क्या अगर ऐसी परिस्थितियां आई कि समाजवादी पार्टी फिर से अगर कोई सुझाव लेकर आती है या प्रस्ताव लेकर आती है, तो समाजवादी पार्टी में क्या फिर वापस भी जा सकते हैं? देखिए, अगर मेरी बातों से समाजवादी पार्टी सहमत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने अपना
सुबह ही मैंने भेज दिया था इस्तीफा, और उसमें मैंने सारे कारणों को इसलिए लिखा हूँ कि ताकि कोई ये न लगे कि मैं कहीं पद की और प्रतिष्ठा की लालसा में मैं दल को मैंने छोड़ दिया। मैंने पूरा मूल्यांकन किया है, पूरी मैंने समीक्षा की है, मैंने फीडबैक दिया है। अगर उस पर पार्टी गंभीर है, अगर लगता है उसको मेरे सुझाव अच्छे हैं और पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा, तो मैं निश्चित रूप से अगर इन सुझावों को स्वीकार करते हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति में कहीं बाहर नहीं हूँ। 22 साल तक आपने समाजवादी पार्टी में रहकर जो है संघर्ष किया और जनता की सेवा की, तो क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं भी कि नहीं हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत वफादार और ईमानदार कार्यकर्ता हुआ करता है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी आज कार्यकर्ताओं के बल पर इतने बड़े पायदान पर खड़ी है, लेकिन जो परंपरा अब डाली जा रही है कि किसी दुराचारी व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, अपराधी को शामिल कर लिया जाए, किसी ऐसे गंदे चरित्र के व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए जो मंच पर जाके जासूचक गाली देता है। एक मिनट रोकना चाहेंगे, क्या कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं में गिरावट आई है? पूरी बात तो हो जाने दीजिए, तो अगर उनको अवसर मिलेगा तो कार्यकर्ता में कहीं गिरावट नहीं है। कार्यकर्ता तो हमेशा सदैव से ईमानदार और वफादार होता है। गिरावट बड़े नेताओं में आती है जो अपने पद और प्रतिष्ठा सत्ता लोलुपता में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके दल बदलुओं, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और पूंजीवादी लोगों को उनके सर पर थोपने का काम करती है। बड़े नेता गलत करते हैं, कार्यकर्ता सदैव ईमानदार है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से पिछले चुनाव की अगर जिक्र करें तो कार्यकर्ता जो है आपके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं मिले, रात में आपके जो बूथ स्तर के जो बस्ते होते हैं वो रात 12 बजे तक इधर से उधर भटकते रहे, तो क्या कार्यकर्ता पार्टी के हैं या नेताओं के, जो समाजवादी पार्टी में नेता हैं उनके अपने कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, आपने कहा तो कि कार्यकर्ताओं को ढूंढने से नहीं मिला, क्या आपने पूछा कि कार्यकर्ताओं के मन का प्रत्याशी उन्हें दिया गया? आदरणीय लोहिया जी ने कहा था कि अपने दल में विसंगति हो तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं कभी कार्यकर्ताओं को गलत नहीं मान सकता। क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया? हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग आवेदन करते हैं, आवेदन करिए, एक एक कार्यकर्ता का 50,000 से के आसपास फीस लेके खर्चा होता, आने जाने में लाखों रुपये खर्च होते। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने उचित समझा कि मैं किसी को टिकट दे रहा हूँ तो मैं उन लोगों को भी बुला के एक बार संतुष्ट कर दूँ जिन्होंने आवेदन किया था, उनको हम टिकट नहीं दे रहे हैं? क्या अंबेडकर नगर के एक छोटा जिला मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ की सारी सीटों को बदल के दल बदलुओं को दे दिया गया, क्या वहाँ के कार्यकर्ताओं का कोई दोष था? उसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया? क्या सत्ता में बने रहने के लिए अपने लोगों का परित्याग कर दिया जाए? क्या एक एक मुखिया या एक परिवार की जिम्मेदारी है कि जिस परिवार को लेकर पूरा एक एक सदस्य उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और संघर्ष कर रहा है, जिस दिन कोई पड़ोसी मजबूत आ जाए तो अपने परिवार का ही गला काट दिया जाए? ये अमूमन तो बीजेपी में भी ये देखा जा रहा है, किसी का टिकट पक्का नहीं होता, बाहर से प्रत्याशी थोपा गए, जैसे प्रवीण निषाद जी आ गए गोरखपुर से संत कवि ने, बीजेपी में कभी हल्ला नहीं हुआ, बसपा में कभी इस तरह का नहीं देखने को मिला, समाजवादी पार्टी में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा? देखिए, चूंकि मैं बाई बर्थ किसी दूसरे दल में नहीं गया, दूसरे दल के कल्चर के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का जो स्थिति है आज, निश्चित रूप से अनुशासनहीनता चरम पे है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो योग्यता के आधार पर अगर या संगठनों में पद दिए जाते, योग्यता के आधार पर अगर नेतृत्व दिए जाते तो दिक्कतें नहीं होती। जात और धर्म के आधार पर कक्षा 5 पास, कक्षा 8 पास, कहीं कहीं तो हो सकता है पढ़े लिखे भी लोग ना हो, ऐसे लोगों को जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उनके सोच और कार्यप्रणाली से आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो निश्चित रूप से अपने आप को असहज महसूस करता है, उनको शोषण किया जाता है, उनको जात धर्म के नाम पे काटा जाता है, इसलिए सारी अनुशासनहीनता इसलिए पैदा हो रही है। क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में एक ऐसा भी ग्रुप है जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खाली पूरे संगठन को अपने हिसाब से चला रहे हैं और प्रदेश का जो नेतृत्व है उनको जो है डार्क में रखे हुए हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा था कि जो जनविहीन सलाहकार है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो उसी में शामिल है। ये जो जनविहीन सलाहकार हैं वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए गुटबाजी किए हुए हैं, वो स्वयं को अपने आप को एक मुखिया के रूप में प्रस्तुत करके कार्यकर्ताओं से नारा लगवाने का काम, उनका शोषण करने का नाम, उनसे अपनी वोट लेने का काम करते हैं। और जब पदों पर आते हैं तो आप किसी की विधायक निधि आप चेक करेंगे, 50% पे अपने सुजातीय लोगों को या अपने ऐसे लोगों को जो दिन भर उनकी चाटुकारता करते हैं उनको बेचने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पे कोई खड़ा नहीं हो रहा है, उनके मुकदमे उनके ऊपर हो रहे हैं कोई खड़ा नहीं हो रहा है। और तमाम बार तो ऐसी होती है, कार्यकर्ता के घर में कोई बड़ी घटना घट जाती है तो हालचाल भी लेने का काम नहीं कर रहे हैं लोग। निश्चित रूप से बड़ी गिरावट आई है। तो नेताओं में गिरावट आई, कार्यकर्ताओं में?
मैंने सदैव कहा कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता तो अपनी जीवन की सारी मूल्यों को, सारी कमाई को, सारी धरोहर को, अपनी पूरी करियर दल को दे दिया है। गिरावट निश्चित रूप से बड़े नेताओं में आई है। एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे आपसे कि जो पीछे विधानसभा का चुनाव रहा, आप समाजवादी पार्टी में थे, आज नहीं हैं, लेकिन उसकी हार का कारण समाजवादी पार्टी का क्या मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा था, बेमेल गठबंधन, गलत लोगों को टिकट, दलबदलुओं को सम्मान, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, अनुशासन का ठीक न रहना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना समाजवादी पार्टी के हार का बड़ा कारण हो गया है। क्या मानते हैं कि प्रदेश जो अखिलेश जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी आप लोग मिलते हैं तो कार्यकर्ता क्या मिलके अपनी बात नहीं कह पाता, या बात सुनने के बाद अखिलेश जी उस पर अमल नहीं करते? देखिए, इन सारे जितनी बातें मैंने कही है, सारी बातों को मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैंने कहा था। मैंने उनको एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था कि जलालपुर से बाई इलेक्शन में सुभाष राय जी को टिकट दिया गया था, और जाति आधार पर देखा जाए तो 100 मतदाता भी भूमिहार के वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो चुनाव बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीते थे। उसका रीज़न मात्र इतना था कि वो बाई बर्थ कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ताओं में उत्साह की स्थिति पैदा होती है जब उनके बीच का कोई आदमी टिकट पाता है, और पूरे उत्साह और मगन के साथ वो लोग काम करते हैं। जब कोई दलबदलू आता है तो अपने साथ वो एक टीम लेके आता है, तो जो मूल कार्यकर्ता या कैडर है उसे उपेक्षित करके वो अपने लोगों को उस पर थोपने का काम करता है, जिससे जो मेरा मूल कैडर है वो कहीं कहीं उत्साहहीन होकर घर बैठ जाता है, और उससे बड़ा नुकसान, बड़ी खामियाजा हमको, पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो अगर सुभाष राय जी का एक्सपेरिमेंट पूरे प्रदेश में किया गया होता, टैलेंट के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, और कार्यकर्ताओं के भागीदारी के आधार पर अगर टिकट दिया गया, तो समाजवादी की सरकार बनी होती, निश्चित रूप से बनी होती। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सिसोदिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्यकर्ता हैं उनकी समाजवादी पार्टी में उपेक्षा है, और रणनीति जो है समाजवादी पार्टी की वो धराशायी हुई है, जिसके कारण जो है ये पार्टी जो है छोड़ रहे हैं, और विधानसभा का जो बीता चुनाव है वो समाजवादी पार्टी शायद अपनी गलत नीतियों और रणनीतियों की वजह से चुनाव हारी है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।